तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल जर्नी पिक्चर्स में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग प्रोड्यूस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आज प्रोड्यूस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि प्रोड्यूस है क्यों। प्रोड्यूस इसीलिए हम लोग बात करेंगे क्योंकि दुनिया में हर एक प्रोफेशनल स्टूडियो में प्रोड्यूस यूज़ होता है, पहली बात तो। और दूसरी बात है, आप देख भी चुके होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे जो सब लेजेंड इंजीनियर्स ट्यूटोरियल देते हैं वो प्रोड्यूस पे ऊपर ही देते हैं। तो आपको ये अगर प्रोड्यूस सीखेंगे तो ये जानने में बहुत सुविधा मिलेगी या फिर आप समझ पाएंगे आराम से। तो इसीलिए हम लोग प्रोड्यूस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो प्रोड्यूस सीखने से आपको दो फायदे तो ज़रूर मिलेगा। पहले तो ये है कि अगर आप प्रोड्यूस सीखते हैं ठीक से अगर और दुनिया में किसी भी स्टूडियो पे काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूस से आपको वर्क फ्लो बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है, और आसानी से आप काम भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है कि आप देखेंगे भी होंगे कि YouTube पे बहुत सारे चैनल्स पे जो सब लेजेंड इंजीनियर या फिर जो सब प्रोफेशनल मिक्सिंग इंजीनियर्स है वो लोग YouTube पे ही ज़्यादा ट्यूटोरियल बनाते, मतलब प्रोड्यूस पे ही ज़्यादा ट्यूटोरियल बनाते हैं, तो उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, राइट। तो और एक दूसरा बात क्या है, प्रोड्यूस से अगर आप मिक्सिंग या मास्टरिंग करते हैं और उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो किसी भी डॉ पे नहीं मिलता। आप एफएल की बात कर लीजिए, क्यूबेस की बात कर लीजिए या फिर नुएंडो की बात कर लीजिए। तो दोस्तों, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप सच में ही प्रोड्यूस सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, इन डिटेल्स पूरा डिटेल्स में ही हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा लेंदी है, पर अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और जो सब नेसेसरी टूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, और वक्त ज़ाया ना करके चलिए ट्यूटोरियल पे घुसते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रोड्यूस खोल चुका हूँ। और तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने प्रोड्यूस खोल चुका हूँ, और जब भी खोलते हैं तो एक पॉपअप विंडो आता है। तो इसमें आपको बोला जाता है कि आपको ओपन सेशन चाहिए या फिर रीसेंट सेशन, सब सेशन उठाना चाह रहे हैं। सेशन मतलब आपका जो पीटीएक्स फाइल रहता है प्रोड्यूस का, तो वही सब लिस्ट आपका है रीसेंट सेशन में। अगर आपको नया सेशन बनाना है तो क्रिएट ब्लैंक सेशन कीजिए। अगर आप कोई सेशन बना चुके हैं और उसको खोलना चाह रहे हैं किसी दूसरे फोल्डर से तो ओपन सेशन कीजिए, तो उससे आपका मतलब पाथ दिया जाएगा। और अगर आप सेशन को टेम्पलेट से उठाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर मैं बिगिनर्स को बोलूँगा टेम्पलेट से मत उठाइए, करना है तो ब्लैंक सेशन उठा के ही कीजिए, ठीक है। अगर किसी तरह से ये पॉपअप विंडो नहीं आता है तो आप फाइल में जाके भी उसको खोल सकते हैं, न्यू सेशन बना सकते हैं या फिर ओपन सेशन कर सकते हैं या फिर रिसेंट सेशन से ये सब सेशन उठा सकते हैं, ठीक है। तो न्यू सेशन का भी शॉर्टकट रहता है, आप कंट्रोल एन दबाइए तो एक आता है पॉपअप विंडो, तो आपको उसमें बोला जाता है कि आपका सेशन का सैंपल रेट कितना होगा, आपका बिट डेप्थ कितना है, ठीक है, और आपका आईओ सेटिंग्स क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स करने के बाद अगर जब भी आप ओके करते हैं तो एक नया सेशन खोल जाता है, ठीक है। अगर आप सेशन और जो मैंने बोला था कि अगर आपको कोई सेशन ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ दबाते हुए कर सकते हैं, तो आपको बोला जाएगा कौन सा सेशन, तो आप उसमें पाथ दे के तो ये खोल सकते हैं। अगर आपको रिसेंट सेशन, उसका भी शॉर्टकट है, शिफ्ट कंट्रोल ओ दबाइए और रिसेंट सेशन खोल जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा सेशन बना के रखा है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो फिलहाल क्या है, ये आपका एडिट विंडो है, और प्रोड्यूस में दो विंडो रहता है, एडिट विंडो और ये रहा आपका मिक्स विंडो, ठीक है। बाई कंट्रोल प्लस दबाते हुए या फिर कंट्रोल इक्वल्स दबाते हुए आप एडिट टू मिक्स विंडो जा सकते हैं आराम से, या फिर अगर आप शॉर्टकट भूल जाते तो यहाँ पे विंडोज़ पे जाइए, क्लिक कीजिए और ये देखिए, ये रहा मिक्स विंडो और ये रहा आपका एडिट विंडो, ठीक है। तो ये फिलहाल मैं एक ट्रैक डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, मतलब ट्रैक तो नहीं आता है, अगर ब्लैंक सेशन करेंगे तो ऐसे ही आपको विंडो दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके शिफ्ट कंट्रोल एन दबाइए, तो ठीक है, तो एक मोनो ऑडियो ट्रैक बोल के आ गया, ठीक है। और मिक्स विंडो में आपका एक पैनल रहता है, इसको ट्रांसपोर्ट पैनल बोलते हैं, इसके बारे में बाद में आता हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रैक है इसको चैनल स्ट्रिप बोला जाता है, ठीक है। तो हर एक चैनल स्ट्रिप में आपको मिलेगा, देखिए, दो इंसर्ट और दो सेंड का सेक्शन, हर एक इंसर्ट में 5 पॉइंट है। इसको अगर चाहते तो आप कम भी कर सकते, मतलब मुझे 5 ही सेंड चाहिए और 5 ही इंसर्ट चाहिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मतलब 10 सेक्शन मिल जाएगा इंसर्ट का सेंड के लिए, ठीक है, जैसे कि ये। तो बेसिकली इंसर्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोई सिग्नल को प्रोसेस करना हो, मतलब उसको EQ कंप्रेशर करना हो, कंप्रेस करना हो या फिर कोई भी सिग्नल प्रोसेस करने के हो, तो इंसर्ट्स हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो प्लगइन दिखाएगा, तो आपका जो जो प्लगइन से, ठीक है, वो आराम से आप कर सकते हैं यहाँ पे प्लगइन डालते हुए, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक डाल देता हूँ, EQ प्रो टूल्स का EQ, बहुत अच्छा EQ है ये, ठीक है। और सेंड जो आपका क्या है, बेसिकली आपका आउटपुट है, ठीक है, यहाँ से आप बस चुनना पड़ेगा।
तो बस चुनते हैं कोई भी एक बस से आप लोग यही चैनल का सिग्नल किसी और ट्रैक पे आप आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये राउटिंग का टेक्निक है, ये आप लोगों को मैं बाद में थोड़ा और डिटेल्स में बताऊंगा कि क्योंकि ये बेसिक के लिए है तो अभी उसमें मत घुसते अभी हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जो सेक्शन है उसमें है आईओ, मतलब इनपुट एंड आउटपुट। तो फर्स्ट ये वाला जो सेक्शन है एक ये है आपका इनपुट सेक्शन, ठीक है। तो इंटरफेस में अभी फ़िलहाल मेरा इनपुट एनालॉग 1 है, तो जिस माइक से मैं बात कर रहा हूँ, और ये है मेरा एनालॉग 2, ठीक है। ये मेरा आउटपुट है, तो आउटपुट देखिए स्टीरियो है, ठीक है। अगर ये मैं करता हूँ तो ये बात नहीं होगा, क्योंकि मेरा साउंड कार्ड अभी साउंड कार्ड से कनेक्टेड, तो वही सिग्नल वो शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये आपका ऑटो रीड, मतलब ऑटोमेशन करने के लिए है, ठीक है। ऑटोमेशन में थोड़ा मैं बताऊँगा बाद में आप लोगों को एडवांस पे जब हम लोग काम करेंगे। और ये आपका ग्रुप बटन, अगर कोई ट्रैक आपका ग्रुप में है तो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। और ये आपका पैन पॉट, ठीक है। तो ये कितना डिग्री है तो ये मीटर पे आपको शो करेगा कि कितना डिग्री में आपका पैन है। ये आपका इनविक्स मॉनिटरिंग के लिए बटन है, ठीक है। और ये आपका रिकॉर्ड इनेबल बटन, ये सोलो बटन, ये म्यूट बटन, ठीक है। ये आपका लेवल फेडर है, इससे लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका मीटर वॉल्यूम का मीटर दिखा रहा है, ठीक है। और ये आपका ट्रैक का सिंबल है, तो देखिए एक वेव टाइप का ट्रैक है, तो इस क्योंकि ये ऑडियो ट्रैक है तो इसलिए इसका वेव है, क्योंकि प्रोड्यूस में हर एक टाइप का अलग अलग ट्रैक है। अगर मैं एक दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक स्टीरियो ऑक्स लेता हूँ, ठीक है। एक मास्टर भी ले लेता हूँ, स्टीरियो मास्टर, स्टीरियो ऑक्स लेता हूँ, और एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लेता हूँ। तो अभी देखिए हर एक ट्रैक का अलग अलग सिम्बॉल्स है, ठीक है। ये जो कि मेरा ऑडियो ट्रैक है तो ये वही भी दिखा रहा है। ये मेरा ऑक्सिलरी ट्रैक है तो ऑक्सिलरी ट्रैक का थोड़ा डाउन एरो या डाउनलोड साइन टाइप का कुछ सिम्बॉल्स है। और जाहिर सी बात है स्टूडियो है तो दो पैन पॉट रहेगा ही, ठीक है। मोनो का एक ही पैन पॉट होता है, मोनो मतलब का सिंगल चैनल होता है, स्टूडियो मतलब दो चैनल्स होते हैं, तो दो इसलिए है। और ये आपका मास्टर का देखिए सिग्मा साइन है, ठीक है। ये आपका मीडी का मीडी केबल्स की तरह साइन है यहाँ पे, और इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा कीबोर्ड का कुछ कीज का साइंस है, ठीक है। तो हर एक ट्रैक में अलग अलग साइंस रहता है। अगर आपका ट्रैक का कोई नेम गलत से गलत भी डाल दिए, ये ट्रैक का सिंबल देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस टाइप का ट्रैक है, ये ऑक्सिलरी ट्रैक है या फिर मीडी ट्रैक है या फिर कुछ भी ट्रैक है, ठीक है। तो बेसिकली ये 5-5 ट्रैक आप लोगों को लगेगा बिगिनर्स के लिए, बेसिक के लिए, बहुत इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये मेरा प्रोटूस का एचडी वर्जन है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्वाड चैनल भी दिखा रहा है, एलसीआर चैनल भी दिखा रहा है। अगर आप स्टीरियो मतलब ओरिजिनल स्टीरियो प्रोटूस पे काम कर रहे हैं तो उसमें उतना मतलब चैनल्स नहीं है, आपको 5 ही चैनल्स जाहिर सी बात है मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये 5 टाइप का चैनल ही लगता है प्रोटूल्स पे, ठीक है, मिक्सिंग करने के लिए या फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप सराउंड पे मिक्स करते हैं तो तब जाके मतलब वो तो बहुत ही एडवांस हो गया सराउंड पे मिक्स करना। पहले हम लोग स्टूडियो मिक्सिंग ही थोड़ा ठीक ठाक से सीख लेते हैं, फिर सराउंड की बात करेंगे बाद में कभी, ठीक है। तो ये स्टूडियो के लिए ये 5 ही टाइप का ट्रैक ज़्यादातर लगता है, ठीक है। तो ये आपका चैनल स्ट्रिप में मैंने बता चुका हूँ कि ये इनपुट आउटपुट ये सब कुछ है। और एक जो उसके साथ आता है इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट पैनल, ये लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अभी एक एक करके करते हैं, ठीक है। ये जो टूल है इसको कंडक्टर टूल बोला जाता है, ठीक है, कंडक्टर टूल बोला जाता है, कोई कोई अरेंजर टूल भी बोलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपका टेम्पो सेट करता है, ठीक है। ये टूल ऑन रहेगा मतलब अगर आप मतलब कंडक्टर क्या करता है, बेसिकली एक गाने का टेम्पो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है। अगर उसके हिसाब से आपको टेम्पो एडजस्ट करना है तो ये टूल हमको ऑन करते हुए जाना है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो टूल है उसका नाम है मिडी मर्ज टूल। तो ये करता क्या है कि हर कीबोर्ड प्लेयर उसका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब दोनों हाथ से एक ही तरीके से वो बजा नहीं पाता है। तो वो क्या बोलता है कभी कभार कि भाई मैं अपना दाएं हाथ वाला क्लिप मतलब जो ट्रिबल क्लिप होता है तो वो मैं पहले बजाऊंगा, और जो मेरा लेफ्ट क्लिप बेस क्लिप जो है वो मैं बाद में बजाऊंगा, दोनों एक साथ नहीं बजाऊंगा। तो तब क्या करना है, आपको मिडी मर्ज टूल ऑन करना है और उसी मिडी ट्रैक पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये कभी मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है, पर ये ध्यान में रखिए कि ये ज़रूरी है कि अगर आपको एट द सेम टाइम में रिकॉर्ड करना है मिडी फाइल, मतलब एट द सेम ट्रैक पे और सेम टाइम में भी दो फाइल के एक साथ रिकॉर्ड मर्ज करना है, तो ये मिडी मर्ज टूल आपको ऑन करना होगा। और
तो उसके बाद है मेट्रोनम टूल। अगर आपको क्लिक सुनना है गाने में चलते हुए तो आपको मेट्रोनम टूल ज़रूर ऑन करना होगा। और उसके बाद वाला जो टूल है उसको वेट फॉर नोट बोला जाता है। अगर ये टूल आपका ऑन है, मतलब पकड़ लीजिए कि कोई एक कीबोर्ड प्लेयर आपका आके बोला कि भाई मुझे क्लिक क्लिक चाहिए, नहीं चाहिए, मैं जहाँ से बजाऊँगा वहाँ से ही मुझे रिकॉर्ड करना है, या फिर किसी एक जगह से मतलब आप पंच नहीं ले पा रहे, मतलब उस पार्टिकुलर बीट पे, ठीक है, मतलब वहाँ से ही आपको रिकॉर्ड करना है, अगर ऐसी बात है तो ये टूल ऑन कर लीजिए और वो मिडी प्लेयर जब भी उसका स्ट्रोक देगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड चालू हो जाएगा, मतलब आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और ये ध्यान रखिए ये लेकिन मिडी पे ही काम करते हैं, मतलब ये मिडी सिग्नल को ही समझता है, मतलब अगर कोई गिटार प्लेयर एक स्ट्रोक बजा रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली उसको मिडी सिग्नल होने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद वाला जो है उसको काउंट ऑफ बोला जाता है, ठीक है, काउंट ऑफ एक बार दिखा लेता हूँ, पकड़ लीजिए मुझे कर लीजिए कि ये मेरा एक बार है, ठीक है, मुझे यहाँ से रिकॉर्डिंग करना है और एक बार मुझे पीछे से सुनाना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि अगर मेरा काउंट ऑफ अगर मेरा एक बार है तो पहले क्लिक ट्रैक बना लेते हैं, तो क्लिक ट्रैक बनने के ट्रैक पे जाइए और क्रिएट क्लिक ट्रैक कर लीजिए आराम से, ठीक है। उसका थोड़ा लेवल्स कम कर देता हूँ, तो पकड़ लीजिए कि मुझे यहाँ से रिकॉर्ड करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ और मैं जब भी पंच मारूँगा तो एक बार का वो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब भी मैं क्विक पंच मारूँगा तो यहाँ से ही वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, जस्ट रिकॉर्ड करके देख लीजिए। हेलो चेक, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली, मतलब मैं यहाँ से सिलेक्शन दिया हूँ और कि मैं प्रोटूस को बोला हूँ कि एक बार का मुझे काउंट ऑफ दो, के 1 2 3 4 और उसके बाद से मुझे रिकॉर्ड चालू करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काउंट ऑफ दिया हूँ और काउंट ऑफ सिलेक्शन मेरा यहाँ पे है और ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ही रिकॉर्ड चालू कर रहा है, ठीक है, कोई टेंशन की बात ही नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब ये आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपका म्यूजिशियन बोल रहा है कि मुझे 4 बार का काउंट ऑफ चाहिए, ठीक है, या फिर 5 बार का काउंट ऑफ चाहिए, तो उसको आराम से आप दे सकते हैं। यहाँ से देखिए बार लिखा है, मैं अगर इसको 5 बार करूँगा तो ये 55 बार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर मैं इसको 5 बार कर रहा हूँ तो वो 5 बार के बाद से ही वो रिकॉर्ड चालू करेगा, मतलब 5 बार पिछले के 5 बार वो सुनाएगा, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते, चलिए ध्यान से सुनेगा, 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 7, ठीक है, तो समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है, तो काउंट ऑफ गया। अभी उसके बाद है मीटर है, मीटर में बेसिकली क्या होता है, गाने बहुत सारे मीटर्स में होता है, 7/4 में होता है, 6/4 में होता है, 3/4 में होता है, 4/4 में होता है, ठीक है, तो वो मीटर मतलब है कि एक बार में कितना बीट्स रहेगा, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे अभी 4/4 करके रखा हो तो वही दिखा रहा है कि एक ये मेरा एक बार है तो इसमें 4 बीट्स है, 1 2 3 4, अगर इसको मैं 3/4 करता हूँ मीटर के अकॉर्डिंग, मतलब गाने के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अभी वो 3/4 शो कर रहा है, देखिए एक बार ही है तो यहाँ पे 3 बीट्स है, तो अभी क्लिक भी थोड़ा डिफरेंट सुनाएगा, सुनिए 1 2 3 1, सुनते 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो क्लिक भी उसके हिसाब से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो और नीचे वाला जो है आपका टेम्पो है, ठीक है, तो कितना टेम्पो में अगर इसको 220 करता हूँ तो उसका टेम्पो वही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 पैनल है यहाँ से आप एट द सेम टाइम आप ये बोल रहा है कि अभी बार्स कितना है, ठीक है, ये बार है, ये बीट है और इसका सब बीट्स है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी बोल रहा है कि भाई आप एक बार में 2 बीट्स पे है, ठीक है, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर टाइम कोड देखना है, टाइम कोड बेसिकली वीडियो के काम में बहुत आता है, और फीड फ्रेम भी देख सकते हैं और सैम्पल्स कितना है वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सैम्पल्स है, यहाँ पे कितना सैम्पल्स है, वो भी आराम से देख सकते हैं। तो ये मेरा मिनट मिलीसेकंड भी देख सकते हैं कि मैं अभी 6 सेकंड में हूँ या 6 सेकंड 120 560 मिलीसेकंड्स पे हूँ, ठीक है, तो एट द सेम टाइम आप दोनों देख सकते हैं।